नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव लगभग खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है और एक चरण और बचेगा 1 जून को। सब कुछ हो गया चुनाव में। इंडिया गठबंधन वाले आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, आपका अखबार उठा के ले जाएंगे, आपकी टोटी कोट खोल के ले जाएंगे, दूध में नींबू डाल जाएंगे। क्या क्या तमाशे हो गए, मैंने सोचा नहीं था। मतलब कि चुनाव इस हद तक, प्रधानमंत्री इस हद तक उतर जाएंगे, इसकी कल्पना देश ने नहीं की थी। इस बार कुछ रिकॉर्ड ही टूट गया। प्रधानमंत्री जी क्या बौखला गए हैं, प्रधानमंत्री जी घबरा गए, ऐसी तमाम बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो प्रधानमंत्री इस तरह कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया गठबंधन वाले आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, आपका अखबार उठा के ले जाएंगे, तो कुछ भी बोल रहे हैं वो। लेकिन इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका मीडिया की भी रही और ANI की भी रही। ANI की एजेंसी है, ऐसी एजेंसी जिसको माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी है। स्मिता प्रकाश जानबूझ के उसकी जो सर्वे सर्वा हैं, जानबूझ के उनके इंटरव्यू लेती हैं जो BJP के सपोर्ट में आ सकते हैं। पिछले दिनों ने स्वाति मालीवाल का लिया, प्रशांत किशोर का लिया, तो ये मान लिया जाता है कि स्मिता प्रकाश जिसका इंटरव्यू ले रही हैं, इसका मतलब वो मोदी जी को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। ऐसी आम धारणा है, लोगों के बीच में धारणा है। तो इस चुनाव में मीडिया की भूमिका क्या रही और टोटल सीन क्या बन रहा है देश की राजनीति का, मतलब सरकार किसकी बनेगी, ऐसी सारी बातों पे हम लोग बातचीत करेंगे आज तेजतर्रार पत्रकार राजीव रंजन सिंह जी से। हमारे संग शो आपने देखे हैं राजीव जी के, अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत गहरी जानकारी रखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन से जुड़े हुए हैं, व्यापार की भी बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो बातचीत करते हैं उनसे, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का चुनाव आखिरी चरण में किस तरफ जा रहा है। राजीव भाई, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। प्रशांत किशोर जी आजकल प्रवचन दे रहे हैं मोदी जी के पक्ष में, ऐसा लग रहा है मोदी जी की आत्मा उनके अंदर आ गई है। और ANI को लंबा चौड़ा इंटरव्यू, तो ANI का इंटरव्यू देखते ही मैं समझ गया कि ये तो मोदी जी की बी टीम बन गए हैं, तो उनके मन माफिक उनके प्यार भरी बातें कर रहे हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं कि ये अचानक प्रशांत किशोर का ANI का प्यार क्यों आया? प्रशांत किशोर और भी कई गोदी मीडिया चैनल को दे रहे हैं इंटरव्यू जो मोदी जी के भक्त बताए जाते हैं, और मोदी जी ने खुद ये किया है जो उनके भक्त उन सबको इंटरव्यू दिया इस बार, और ये तय कर लिया था उन्होंने कि इंटरव्यू उनको देना है जिन्होंने पिछले 2 सालों में मोदी के खिलाफ ना तो ट्वीट किया हो, ना मोदी से कोई खबर पूछी हो, मोदी सरकार पर सवाल ना खड़ा किया हो, तो उनको इंटरव्यू छांट छांट के ढूंढ ढूंढ के लेंस लगा लगा के उनको इंटरव्यू दिए हैं। लेकिन ये प्रशांत किशोर का ANI का इंटरव्यू बहुत चर्चा में आ गया। प्रशांत किशोर गेम क्या खेल रहे हैं? क्या लोग कहते हैं कि बहुत सारे पैसे कमा लिए थे उन्होंने, पार्टी बनाई थी और जो करोड़ों रुपए थे उसके चक्कर में नोटिस आ गया था एक बार कि भैया जरा बताओ, कुछ भाई खाता दिखा दो, तब से प्रशांत किशोर जी उल्टे लटक गए, जय मोदी गाने लगे। खेल क्या है, आपको क्या लगता है? संजय जी, देखिए जैसे लास्ट एपिसोड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रशांत किशोर के ऊपर में, और ANI ने उसके बाद में स्वाति मालीवाल जी का भी इंटरव्यू था, ठीक है? तो ये सारे लोग जो हैं ये ANI के शरण में कैसे आ रहे हैं, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि स्मिता प्रकाश जी जो है, शी इज पॉलिटिकल कमांडो ऑफ मोदी मीडिया। गोदी मीडिया में नहीं बोलूंगा मैं इसको, मोदी मीडिया बोलूंगा, ये मोदी मीडिया की पॉलिटिकल कमांडो है, ठीक है? जहां जहां पे भी मोदी जी के ऊपर में किसी भी तरीके की दुविधा आने के चांसेस दिखते हैं, या जहां जहां भी उनको सुविधा प्रोवाइड की जा सकती है, तो सबसे पहले स्मिता प्रकाश जी और उनका ANI जो है अपनी सेवाएं लेके सबसे पहले हाजिर हो जाए। देखिए, आपने पहले बात की प्रशांत किशोर जी की, उस पर मैं बात करता हूं, फिर स्वाति मालीवाल पे भी। प्रशांत किशोर जी जो हैं, ये आप इस बात को समझिए कि वो प्राइवेट लाइफ में जो बातें कर रहे हैं और जो पब्लिक लाइफ में बातें कर रहे हैं इस इलेक्शन को लेके, इन दोनों में मतभेद है। ये पिछली बार भी मैंने बताया था कि उन्होंने अपने कई मित्रों को बताया है जो IPAC में काम करते हैं कि हवा बदल रही है, परिवर्तन आने वाला है, तैयार रहो। और बाहर वो यही बात बोल रहे हैं कि BJP 300+ आएगा। तो ये तो प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहिए कि भाई उनकी बातों में ये विरोधाभास क्यों आ रहा है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी ना तो पत्रकार है और ना तो सेफोलॉजिस्ट है, तो उनको मीडिया इतनी तवज्जो दे क्यों रहा है? और ये कैसे एक के बाद सारे गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं वही प्लेटफॉर्म्स पे क्यों नजर आ रहे?
हर दिन नजर आ रहे हैं, यानी देखिए अति सर्वेत्र वर्जित, इन्होंने अति कर दिया, हर जगह पे वही 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 फेस नजर आ रहा है। तीसरी बात समझिए आप कि प्रशांत किशोर जो है उनका कोई रेवेन्यू सोर्स तो है नहीं, रेवेन्यू सोर्स आईपैक ही था, ठीक है। इतना बड़ा जन स्वराज आंदोलन कर रहे हैं, जन स्वराज आंदोलन में खुद बोल रहे हैं कि रोज 1,500-2,000 लोगों का खाना बनता है 3 टाइम, तो ये सस्टेन करना आगे आने वाले 1.5 साल तक जब तक बिहार इलेक्शन नहीं होगा, क्या अपने जेब से ये पैसे डालते रहेंगे उसको सस्टेन करने के लिए? ये सोचने वाली बात है। उनसे जब भी रेवेन्यू सोर्स पूछा गया है तो उन्होंने यही कहा है कि भाई जिन लोगों को मैंने मदद की थी वो लोग मुझे मदद कर। तो आपने 2014 में नरेंद्र मोदी को मदद किया था, तो क्या नरेंद्र मोदी आपकी मदद कर रही है, भाजपा आपकी मदद कर रही है? मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं जो पिछले इंटरव्यू में मैंने बोला नहीं था, पर मेरा बात पे ध्यान दें। आप ये देखिए कि 2016 के इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के पास में 40 से ज्यादा सीटें थी, ठीक है, और भाजपा के पास में सिर्फ 3 सीट थी असेंबली में, और 212 सीट थी तृणमूल कांग्रेस, और कम्युनिस्ट पार्टी की भी मतलब 2 डिजिट में कुछ नंबर। आप देखिए जब से प्रशांत किशोर 2021 में इनके ये बने आईपैक को जैसी काम मिला, तो क्या हुआ, तृणमूल कांग्रेस 2021 के इलेक्शन में 212 से बढ़ के 215 पे पहुंची, पर कांग्रेस जो है तृणमूल ये कम्युनिस्ट पार्टी तो 0 हो गई, कांग्रेस के पास शायद 1 विधानसभा सीट है, और 3 सीट वाली भाजपा जो है वो 77 सीट पे पहुंच गई, और तृणमूल के 212 से 215 ही पहुंचे। तो प्रशांत किशोर काम किसके लिए कर रहे थे? प्रशांत किशोर ने जिन जिन स्टेट में काम किया है उन स्टेट्स में अब जाके खोजी पत्रकारों ने ये चेक करना चाहिए। मैंने तो एक जगह खोजा, अब मैं दूसरे पत्रकारों के लिए काम छोड़ रहा हूं कि जहां आज की डेट में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस उनका क्लाइंट है, जहां तक मेरी जानकारी है वेस्ट बंगाल में ही काम कर, ठीक है, और कोई दूसरे स्टेट में उनको काम उनके पास में काम नहीं है जो मेरी जानकारी आईपैक के पास। तो जिन जिन स्टेट्स में इनको काम मिला है उन स्टेट्स में देखने की जरूरत है कि भाजपा की सीट जो है वो बढ़ी है कि घटी, और यदि बढ़ी है तो कांग्रेस के एट द कॉस्ट ऑफ कांग्रेस बढ़ी है क्या, ये पता करना जरूरी। तो ये तो बात हुई प्रशांत किशोर। अब ये जो दूसरा आपने इंटरव्यू की बात की स्वाति मालीवाल वाली, देखिए मेरे जीवन के बहुमूल्य 69 मिनट जो है स्मिता प्रकाश जी ने और ANI ने खराब कर दिया, बहुमूल्य 69 मिनट 69 मिनट। मैंने शुरू से लेके अंत तक इंटरव्यू देखा, और जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि ये स्वाति मालीवाल जी सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पे क्या करने पहुंची थी, वो पूरे इंटरव्यू में पूछा ही नहीं गया। अभी जो जर्नलिज्म का जो बेसिक टेनेट है 5W1H, उसका जो वाई है, वाई सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, स्मिता प्रकाश जी के पूरे उस इंटरव्यू में कहीं वाई पे क्वेश्चन ही नहीं आया कि स्वाति जी आप क्यों वहां पे थी, आप क्या कर रही थी, आप क्यों गई थी सुबह सुबह। भाई स्वाति मालेवाल जी राज्यसभा मेंबर है, क्या उनके पास में काम धंधे नहीं है क्या, सुबह सुबह उठ के घर पे सीएम के चली जाएंगी बिना अपॉइंटमेंट लिए, ये क्या करने के लिए सुबह गई थी, इसके ऊपर में इन्होंने सवाल ही नहीं पूछा। अब मुझे भी खराब लग रहा है, इस उम्र में मैं क्या स्मिता प्रकाश जी को ये 5W1H पढ़ाने जाऊंगा क्या जर्नलिज्म का, ये उन्हीं को एक रिफ्रेशर कोर्स लेने की जरूरत है पत्रकारिता की, ये मुझे ऐसा लगता है। बेसिक क्वेश्चन जो था वो उन्होंने पूछा नहीं कि आप क्या कर। दूसरी चीज जो पूरे इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि क्रिमिनल केस था, कि मोटिव क्या है, मोटिव क्या है आपको पिटवाने का, आम आदमी पार्टी ने क्यों पिटवाया, कोई अरविंद केजरीवाल ने क्यों पिटवाया। आज देखिए वो 67th मिनट पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, 68th मिनट पे सबसे लास्ट। कोई भी क्राइम के एंगल में मोटिव सबसे पहला पॉइंट रहता है, ये जर्नलिज्म का लेसन नंबर 2 है जो इन्होंने मिस किया, मोटिव के ऊपर में इन्होंने कहीं पे भी क्वेश्चन ही नहीं किया। बड़ा खराब इंटरव्यू था संजय भाई, आपको बता रहा हूं बहुत ही खराब इंटरव्यू। मतलब ये जो बेसिक जर्नलिज्म के टेनेट जो रहते हैं इसको कहीं ये मतलब पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए ये इंटरव्यू लिया गया। और आप ये समझिए कि ये हवा बनाने की एक एयर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो महिला मतदाता है दिल्ली में वो इस बात को समझे कि आम आदमी पार्टी जो है इसके शीर्ष नेता महिला विरोधी,
तो इलेक्शन के ठीक पहले जो है महिला मतदाताओं के मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए ये इस तरीके का इंटरव्यू। आपको लगता क्या है कि जो इंटरव्यू है जो जिस साजिश के तहत किया गया क्या वो कामयाब हो पाया होगा? दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, देश की राजधानी है, क्या उनको लग गया होगा कि ये ऐसा हुआ होगा, मतलब या केजरीवाल को नुकसान हुआ होगा या कुछ नहीं असर नहीं पड़ा होगा, क्या लगता क्या है आपको? देखिए मैंने आज चार पत्रकारों से बात किया, लोकमत, टाइम्स ऑफ इंडिया, खैर नाम छोड़ दीजिए, जो टाइम जो दिल्ली में है पोस्टेड है, उन लोगों का कहना है कि ग्राउंड लेवल पे इसका जीरो जीरो सिफर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है स्वाति मालीवाल इशू पर। इन्होंने कोशिश किया, ठीक है। आप देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं संजय जी, जैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है ना WMD, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने वुमेन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए पूरी कोशिश कर ली। पहले थोड़े दिन 3-4 हफ्ते पहले एक राधिका खेड़ा करके एक है कांग्रेस से, उन्होंने इस्तीफा दिया कि भाई मेरे साथ बुरा बर्ताव हुआ। अब ये स्वाति मालीवाल जी आ रही हैं और देखिए कई तमाम तरीके की, मैंने किसी भी इलेक्शन में इतनी सारी महिलाओं को इलेक्शन के पहले जो है आके मतलब अपनी पार्टीज के ऊपर में जो उनकी फॉर्मर पार्टीज होगी जल्दी उस पे उलूल जुलूल मतलब ये उनके प्रति शिकायत करते हुए मैंने नहीं सुना। ये पहला इलेक्शन मैं देख रहा हूं जहां पे औरतों का भयानक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्षी दल के लीडर्स को और उनके इमेज को टार्निश करने को। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, देखिए स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा मेंबर है, उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला कि मैं तो कभी जो है ये अपॉइंटमेंट लेके गई नहीं उनके घर में। तो भाई आप राज्यसभा मेंबर तो आप बने हो, एक डेकोरम चाहिए। राज्यसभा मेंबर का एक डेकोरम रहता है, चीफ मिनिस्टर का एक डेकोरम रहता है। आप बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए पहुंच जा रहे हो वहां पे, क्या आपके पास में काम धंधे नहीं है क्या कोई? आप क्यों सुबह सुबह जा रहे हो? इस चीज का आपने जनता को कोई जवाब नहीं दिया, कोई इंटरव्यू में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आप किसी के घर में, संजय जी यदि मेरे घर में आके कोई मेरा दोस्त बैठ जाए और बोले कि नहीं मैं तुम्हारी वाइफ से बिना मिले जाऊंगा नहीं, ठीक है, और मेरे पास में 4 मैनेजर हो, तो मैं भी बोलूंगा इसको ठूसे ठूसे मारो यार, भगाओ इसको घर से, ये यहां बैठा हुआ है। भाई आप किसी के घर के अंदर घुस के जो है जबरदस्ती ये बोलो कि नहीं जब तक मैं मिलूंगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं, ये तो ट्रेसपासिंग हुई ना। आप ये किसी के घर के अंदर घुस के तो ना ये कर सकते, पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज हुई वो इंटरव्यू आप देखिए, देखिए क्या होता है, द वे वी थिंक That shapes our language. हम जिस तरीके सोचते हैं वही हमारी भाषा जो है वैसी बनती है। स्वाति मालीवाल जी के उस इंटरव्यू में आप ये देखिए, उन्होंने कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा बार बोला मुझे लात घूसों से पीटा गया, मुझे पीटा गया, मुझे बहुत मारा गया, मतलब वो उन्होंने बहुत बार ये चीज बोली। उन्होंने फिर 1 दर्जन से ज्यादा बार बोला कि मेरा विक्टिमाइजेशन हो रहा है, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। उन्होंने 0.5 दर्जन से ज्यादा बार बोला कि मेरा करियर खत्म हो गया है, मैं तो बर्बाद हो गई। यानी ये इनका जो विक्टिमाइजेशन का थॉट प्रोसेस है उसी हिसाब से इनकी लैंग्वेज बन, और यदि वो बात नहीं है तो इनको एक स्क्रिप्ट दी गई है कि आप इस स्क्रिप्ट से पढ़िए और आप इस तरीके से बोलिए, ऐसे शब्दों का चयन कीजिए कि लोगों के श्रोताओं के दिमाग में ये जाए कि किस तरीके से आपको प्रताड़ना दी गई, ठीक है। अगर इनके अलावा अगर टोटल हम बात करें मीडिया की, तो 2024 का चुनाव मीडिया के किस रूप के लिए याद किया जाएगा कि मीडिया ने कैसी भूमिका अदा करी अपनी? 2024 का इलेक्शन याद किया जाएगा कि कैसे मीडिया जो है ये गवर्निंग एलीट का पार्ट बन गया, कैसे मीडिया जो है एक हिपोक्रेट की भूमिका निभाता है। ये तो भगवान का शुक्र है कि वैकल्पिक मीडिया जो है वो सोशल मीडिया पे डेवलप हुआ है, एक वैकल्पिक स्थान बना है जहां पे आपके मेरे जैसे लोग आके अपने विचार रख पा रहे हैं। अन्यथा ये इलेक्शन तो पूरी तरीके से इन्होंने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं के कैरेक्टर असैसिनेशन का, उनके अंदर में क्या वीकनेस है उसका बना दिया था, और मोदी मैजिक, मोदी ऑरा, मोदी का क्या मतलब एक वर्चस्व है भारत के राजनीति पे, उसको भगवान है मोदी, भगवान है मोदी, परमेश्वर है, तो बायोलॉजिकल अवतार ही नहीं है, ऊपर से भगवान ने उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया है
भारत की जमीन पे, भारत की रक्षा और भारत का विकास करने के लिए। देखिए क्या है, मीडिया का काम है लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों को एजुकेट करना। आप पूरे ये प्रोग्राम में जो 40-50 दिन से चल रहा है, जिसको इलेक्शन जंबूरी बोला जा सकता है, सर्कस बोला जा सकता है, आप मुझे बताइए पॉलिटिकल प्रोसेस पे कितनी कितनी चर्चाएं आपने देखी, कितनी चर्चाएं आपने देखी है जहां पे भाजपा के अंदर में जो अंदरूनी जो रसाकशी चल रही है उस पे कितने लोगों ने बात किया, कितने लोगों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या सही है क्या गलत इस पे चर्चा की, कितने आपने जगहों पे देखा कि भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या सही है क्या गलत है इस पे चर्चा की गई। ये सारी चीजें पूरी तरीके से नदारद है। और क्या दिखाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे। देखिए कल भवानी इसमें सॉरी हरियाणा में कौन सी जगह है, भिवानी, भिवानी में उन्होंने भाषण दिया। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आज तक 2014 और 19 के इलेक्शन में मैंने कभी नरेंद्र मोदी को लोगों से ये अपील करते हुए नहीं बोला था, देखा था कि आप जाके अपने नेबर्स और अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं कि मैंने क्या कहा है और मेरा राम राम उनको कह दीजिए। क्या होता था 2014 और 19 में, एक सेंट्रल थीम होती थी और उसके इन एंड अराउंड नरेंद्र मोदी अपना भाषण करते थे। 2024 में क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो टिक बॉक्स लगा रहे हैं। हाँ मैंने कांग्रेस को गाली मार दी, मैंने मुसलमानों को गाली मार दिया, मैंने राम मंदिर के बारे में बात कर लिया, मैंने 370 के बारे में बात कर, बस पूरा का पूरा जो उनका भाषण है। और वो शुरू करेंगे ऐसे, मैं जैसे हरियाणा में मैं 90 में आया था, मैंने उस दुकान पे ये खाया, मतलब वो एक अपना कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है कि इस बार के पूरे प्रोग्राम में जहां जहां भाषण दे रहे हैं वो टिक बॉक्स जो है ना वो टिक कर रहे हैं कि मैंने मुसलमानों को गाली दे दिया, मैंने कांग्रेस को गाली दे दिया, मैंने राम के ऊपर में बोल दिया, मेरा काम। और वो फिर लास्ट में एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है राम के, मतलब आप मुझे लाएंगे नहीं राम को लाएंगे। तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं ये शो करती हैं कि किस तरीके से इस आदमी का कॉन्फिडेंस गिर रहा है, किस तरीके से पार्टी का कॉन्फिडेंस गिर, है ना। भाषण के भाषण जो है उसके कंटेंट को देख के आप ये समझते हैं, और मीडिया जो है इसके डेलिकेट पार्ट्स को रिमूव कर दे और सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग और एंटी मुस्लिम प्रो हिंदू वाला जो पार्ट है सिर्फ उसको टेलीकास्ट होकर प्रकाशित। जी संजय जी। अच्छा राजीव जी, लगभग लगभग सारा चुनाव निबट गया, आखिरी चरण बचा है, आप पूरे देश के चुनाव की स्थिति पे आपको क्या लगता है कि अब कितनी कितनी सीटें मोटा मोटा इंडिया गठबंधन को या एनडीए को क्या सीन रहेगा? देखिए मैं अपनी पहली वाली बात पे स्टिक हूं कि 190 सीट्स जो हैं, जो मुझे थर्ड चरण के बाद में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से जो पता चला था, 190 सीट आने वाली है, गिव एंड टेक 30 सीट्स और आप ऐड कर लीजिए या 30 माइनस कर लीजिए, 220 जो है वो फिगर मुझे दिख रहा है, उससे ज्यादा का फिगर मेरे को भाजपा या उसकी सहयोगी पार्टियों को आते हुए दिख नहीं रहा है। इंडिया अलायंस जो है वो इजिली 300 जो है ये क्रॉस करेगी, बाकी बची हुई 20-25 सीट जो है वो अन्य पार्टियां जो है उनके पास में जाए। सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बन रही है हरियाणा के अंदर में। पहले कहा जा रहा था कि एक सीट जो गुड़गांव की है वही सिर्फ हारेगी ये कांग्रेस, मुझे अभी लग रहा है कि हो सकता है शायद 1-2 हो जाए, फरीदाबाद भी शायद जा सकती है। यहाँ तक कि जो आपका ये सीट है करनाल की, जहां से ये लड़ रहे हैं भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, वो भी बहुत ज्यादा टफ फाइट है। देखिए आप एक चीज को समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ संजय जी, इस पे ध्यान किसी ने दिया नहीं है, स्टॉक मार्केट को अभी आप देखिए एकदम तेजी से भगाया जा रहे स्टॉक मार्केट। मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं शेयर्स को पिछले 5 महीने में। मैंने दूसरी बात कही थी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है बहुत हाई है, ठीक है, लोग इसको ये बोल के नजरअंदाज कर रहे कि अरे इलेक्शन के टाइम में विक्स ऊपर जाता है, ठीक है, पर इस बार वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर गया है और मार्केट भी ऊपर गया। यूजुअली ऐसा नहीं होता, ये उल्टा डायरेक्शन में, तो ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज ये हुई कि आपको ये समझने की जरूरत है कि दिल्ली की जनता जो है बहुत बड़ी जनता जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में प्रभाव डालने के लिए कि एवरीथिंग इज फाइन, सब जो है अच्छा चंगा सी, इसके लिए ये एक मिराज क्रिएट किया जा रहा है।
जैसे औरतों के दिमाग में स्वाति मालीवाल को लाके जो है उनके वोटों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं बहुत सारे युवा पुरुषों और औरतों के दिमाग को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है स्टॉक मार्केट के जरिए। अन्यथा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ये तीनों के तीनों स्टॉक मार्केट पॉजिटिव बातें चुनाव के बीच में नहीं करते। तो ये पूरा का पूरा अब जो इलेक्शन है अर्बन सेंटर, पढ़े लिखे लोग जो हैं उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, ये संभ्रांत इलाके हैं ठीक है इंडिया के, और यहां से बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब ये स्टॉक मार्केट को भी एज ए वेपन यूज कर रहे हैं टू अट्रैक्ट यू नो वोटर्स कि आप आए और वोट डाले, इसलिए मार्केट बढ़ा रहे। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि 200-400 पॉइंट और शायद ऊपर चला जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, पर जैसा कि मैंने आपके दर्शकों को पिछले बार भी बताया था, ये पॉइंट नहीं है मार्केट में एंट्री मारने का। बहुत हाई लेवल्स हैं, प्राइस टू बुक, प्राइस टू इक्विटी, जितने भी वैल्यूएशन मैट्रिक्स रहते हैं इसके बेसिस पे मार्केट अभी बहुत हाई है। स्टॉक मार्केट में एंट्री मत मारिए, झांसे में आप फंस सकते हैं। अपने पास में शेयर हो तो शेयर बेच दीजिए सर, है ना, शेयर बेच दीजिए, नहीं भी बेचना तो खरीदिए मत, भगवान के लिए नया पैसा मत लगे। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो कुछ मत कीजिए, चुपचाप बैठे रहिए। पर मेरा कहना यह है कि नया पैसा आप इलेक्शन का रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक आप इलेक्शन के रिजल्ट तक पैसा मत लगाइए, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया। राजीव भाई नागपुर में रहते हैं, गडकरी जी की क्या सूचना है, गडकरी जी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 4 जून की, क्या क्या भविष्य लग रहा है गडकरी जी का? देखिए मैं, मेरी गडकरी जी से तो बात हुई नहीं है, पर जो विकास ठाकरे जो कांग्रेस वाले हैं उनसे मेरी अभी 5-6 दिन पहले बात हुई थी। मेरे घर में पानी नहीं आ रहा था 1-2 दिन से, तो मैंने उनको कॉल किया, मैं बोला यार आप आओ घर पे देखो, वो क्योंकि जो है बड़े फायर ब्रांड एमएलए भी हैं, तो उन्होंने बोला मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं अभी आऊंगा नहीं, 10 तारीख को तो मैं, जून 10 तारीख को तो मैं शपथ लेने जा रहा हूँ। तो ही सो कॉन्फिडेंट कि वो इलेक्शन भी जीत रहे हैं और मिनिस्टर भी बन रहे हैं और कांग्रेस की सरकार भी हराने की बात सोच रहे हैं वो लोग। हाँ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और उनका कॉन्फिडेंस देख के मेरे को भी अच्छा लगा। नहीं देखिए बहुत टफ फाइट है और कैसा, गडकरी जी को कभी इतना परेशान देखा नहीं है। वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि मैं तो कहीं वोट मांगने जाऊंगा भी नहीं, मैं घर के बाहर निकलूंगा भी नहीं, और उन्होंने इतनी धूप में 42-43 डिग्री, मेरे को पसीना आ रहा है, आप सोचिए मतलब धूप ढल गई उसके बावजूद भी, इतना मौसम जो है बहुत गर्म है यहाँ नागपुर ठीक है, तो ऐसे मौसम में गडकरी साहब जिनको शुगर का, ब्लड प्रेशर, तमाम तरीके की बीमारियां होने के बावजूद भी वो निकल के और उन्होंने वोट मांगे हैं, इसका मतलब है कि उनको उनको कहीं भय सता रहा था कि इलेक्शन पलट सकता है। दूसरा, पहली बार कांग्रेस जो है वो एक यूनाइटेड फैमिली के रूप में इलेक्शन लड़ी है, डिवाइडेड फैमिली नहीं, यूनाइटेड फैमिली के रूप में इलेक्शन लड़ी ठीक है। और विकास ठाकरे का सभी ने बहुत साथ दिया है, एक ही जगह से उनको साथ नहीं मिली, वो थी प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से कोई एक आ जाता नागपुर में तो श्योर शॉट ये जीत सकते, पर इन दोनों भाई बहनों में से किसी ने यहाँ पे रैली किया नहीं, शायद इनको मैसेज नहीं गया होगा या पता नहीं क्या कारण रहा है। पर इन लोगों को लगता होगा कांग्रेस के बड़े नेताओं को कि गडकरी चुनाव जीत जाए ज्यादा बढ़िया है, मोदी निपटा देंगे फिर। देखिए मोदी जी का तो सूर्यास्त हो रहा है आप ये समझिए ठीक है, मोदी जी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए बहुत घबराए हुए हैं, आपको ताज्जुब होगा। देखिए मोदी के भी मैं पैटर्न्स की बात करता हूँ, आप देखिए ना मोदी जी के बिहेवियर का पैटर्न, मोदी जी का सबसे क्लोज पॉलिटिकल एसोसिएट कौन है, अमित शाह जो एक जैनी है, जैनी जैन धर्म का है, हिंदू धर्म का नहीं है। मोदी जी का सबसे क्लोज बिजनेस एसोसिएट कौन है, अदानी जी ठीक है, गौतम शांतिलाल अदानी जी जो अगेन जैनी है। तो ये पार्टी जो हमेशा हिंदू धर्म की बात करती है और हिंदुओं की बात करती है, उसमें मोदी जी ने दो, आप ये समझिए कि अपने जो इनके सब लेफ्ट एंड राइट हैंड है जो सबसे क्लोज एसोसिएट है वो दोनों जैनी क्यों है, इस पे कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट बात नहीं करता, मैंने आज तक नहीं देखा किसी को बात करते हुए कि नरेंद्र मोदी जो हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को बोलते हैं, इन्होंने अपना लेफ्ट या राइट मैन
राइट हैंड मैन को हिंदू को ना बनाते हुए दो जैनी लोगों को क्यों बनाया, ये सोचने की बात ये आपने है ना, एक नया सवाल खड़ा कर दिया आज। अभी देखिए बहुत सारे यूट्यूब वाले यही ले लेंगे और बिना संजय शर्मा 4 PM राजीव रंजन सिंह को क्रेडिट दिए हुए यही चीज को चलाएंगे। देखिए मैंने तो प्रिंट में काम किया है, हम लोग कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो हम लोग क्रेडिट देते हैं जिससे भी उठाते हैं, जिससे भी हम कुछ थॉट उठाते हैं। यूट्यूब की दुनिया एक बड़ी गजब दुनिया है, यहाँ पे कोई किसी के भी थॉट को उठा लेता है और क्रेडिट नहीं देता, बड़ा ही मतलब मेरे को तो बड़ा बेकार लगता है। कोई बात नहीं, जनता क्रेडिट जनता देती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी सारी बातें करी, मजेदार बातें करी, धन्यवाद, आभार। ये थे राजीव रंजन जी और बता रहे थे कि क्या हाल है देश की राजनीति का, शेयर मार्केट का। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।